मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। जब भी आपको कोई भी आकृति, कोई भी चीज़ दी जाती है और वो इमेज के लिए दी जाती है, ठीक है, यानी आपको उस आकृति को देखना होता है, वो आकृति है कैसी, किस प्रकार की है, कैसे, ठीक है, और उस आकृति के सॉल्यूशन के लिए आपको बोलता है इसकी कौन सी इमेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको प्रतिबिंब लगाने के लिए बोलेगा, और प्रतिबिंब किस साइड में लगाने के लिए बोलेगा, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या फिर आपको प्रतिबिंब लगा के दे देगा, ठीक है, लगा के दे देगा और उसके नीचे क्या कर देगा, लाइन सी खींच देता है, एक लाइन बना के। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन किस प्रकार से, ये वर्ड लिख दिया, ठीक है, और यहां पर उसने ऐसे लाइन बना के और ऐसे 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 करते, तो इस बात का मतलब क्या है भाई, मैंने इस इमेज के यहां पे दर्पण लगा दिया, और यहां पर दर्पण लगाने के बाद आपको ये आकृति कैसी दिखाई थी, ठीक है। तो मिरर जिस बेस पे काम करता है, जिस लाइन के ऊपर काम करता है, जिस फैक्ट के ऊपर काम करता है, मिरर बोलता है जो चीज मेरे जितनी ज्यादा नजदीक होगी उस चीज को मैं उतनी ही पहले दिखाऊंगा, सिर्फ ये एक लाइन इसी के ऊपर काम करता है मिरर, ठीक है। जो चीज मेरे जितनी ज्यादा नजदीक होगी उस चीज को मैं उतनी ही पहले दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर इस मिरर के सबसे ज्यादा नजदीक क्या है, तो सबसे पहले वो किसको दिखाएगा, टी को ही दिखाएगा ना, ठीक है। और टी में भी, अब टी में भी इस पिछले वाले आकृति को भूल जाओ, यही आकृति लेते, ठीक है। अगर ये भी यहां पर भी शेप को भी वो कई बार क्या कर देता है, शेप के साथ गेम कर देता है, इस शेप को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इस शेप को ऐसे होने के बाद इसकी आकृति में चेंजमेंट आएगा, अगर डायरेक्ट ही होता तो कोई चेंजमेंट नहीं आता, लेकिन अब इसकी आकृति में चेंजमेंट आएगा। चेंजमेंट कैसे आएगा, अब मैं देखता हूं मिरर के जो नजदीक है वो क्या ऊपर की तरफ है उसका डंडा, तो पहले मिरर के जो नजदीक है उसका डंडा ऊपर की तरफ, जो दूर है उसका नीचे की तरफ, ऐसा टी बनेगा, डायरेक्ट ही होता तो सीधा बन जाता, ठीक है। लेकिन मिरर ने क्या बोला, जो चीज मेरे जितनी ज्यादा नजदीक होगी मैं उस चीज को उतना ही पहले दिखाऊंगा आपको, तो पहले जो उसके ज्यादा सबसे ज्यादा नजदीक है वो क्या, जो डंडा ऊपर की तरफ गया वो डंडा सबसे ज्यादा नजदीक, तो वो इसको पहले दिखाएगा, ठीक है। तो ये टी आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है आर, अब इस टी को भूल जाओ, इसका काम हमने कर दिया पूरा। अब आर में मिरर के नजदीक क्या है, आर का पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो पहले ये आर का क्या हिस्सा दिखाएगा, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। आर का ये पीछे का हिस्सा है ना मिरर के नजदीक, तो मिरर किसको पहले दिखाएगा, इस पीछे वाले हिस्से को पहले दिखाएगा, ठीक है। आर से अगला क्या है, ई, ई का कौन सा हिस्सा है, ये खुला हुआ हिस्सा है ना, तो ये पहले किसको दिखाएगा, खुले हुए हिस्से को दिखाएगा, ठीक है। ई के बाद एस, ये दो तीन वर्ड तो है ना बड़े खतरनाक है, एक तो एस एक एन, ठीक है, एस और एन, ये दोनों तो बहुत, इनकी आकृति हर बार चेंज होनी है और चेंज होती दिखती नहीं है, यहां पे बहुत ज्यादा बच्चे कच्चा खा जाते हैं एस और एन के अंदर। अब देखो यदि ये एस को बनाना है मेरे को मिरर इमेज में, तो एस में मैं क्या करूंगा, बस एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे आकृति आगे खत्म हुई है आपकी, यहां से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है। लेकिन जो यहां पे दिखाई दे रहा है ये हिस्सा जहां से ये शुरू हुई थी ये हिस्सा पहले है, तो जहां से मेरे को आकृति स्टार्ट करनी है वो हिस्सा पहले आना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका एस, एस के बाद ये एन रहा, एन जब भी बनाना है ये दोनों डंडे तो पहले आने ही आने, ठीक है, ये दोनों डंडे साइड वाले दोनों डंडे बना दिए, ठीक है। और दोनों डंडे बनाने के बाद अब ये देखो ये बीच वाला डंडा जो यहां पे आकृति पे कहां पे टच कर रहा है, नीचे, तो यहां पे टच होना चाहिए नीचे, नीचे वाले पे टच होगा तो नीचे से आकृति चेंज होगी इनकी, ठीक है। लेकिन चेंज होती दिखती नहीं है इसकी आकृति,
और ये ऑप्शन में जब भी देगा ना एन पूछ रखा होगा, एक में सेम एन एक में बदल के एन दोनों देगा, इसलिए सबसे ज्यादा पजलिंग ये क्रिएट करता है। ठीक है, इसकी आकृति हर बार बदलनी है, कहीं भी मिरर लगा दो और वो बदलती दिखती नहीं। ठीक है, ये हो गया है। एन से अगला क्या है? सेम रहेगा। ओ से अगला क्या है? सी। सी का पहले खुला हुआ भाग है, खुला हुआ भाग आ जाएगा। तो इस आकृति की मिरर इमेज ये होगी। ठीक है, पहले बता देते थे जब पेपर सेट के तौर पे मिलता था, इसने है ना भाई न्यू करके देख लियो। ठीक है, जो इसे में ठीक दिखता हो उससे अप्लाई कर दियो। ठीक है, लेकिन जब तो ऑनलाइन होने लगे कंप्यूटर के ऊपर घुमा कर देखा। यदि इसी वर्ड को यहां पे मैंने किस साइड आपके ये लगाया दर्पण, राइट साइड, अगर इसी के मैं लेफ्ट साइड मिरर लगा देता हूं तो ये आकृति मुझे कैसी दिखाई देगी? बना के दिखाओ। मिरर के सबसे नजदीक क्या है? तो सबसे पहले सी आएगा। अब सी का कौन सा भाग है मिरर के पास? पीछे, ये आ जाएगा ना, वो सेम आ जाएगा। एन के दोनों डंडे खींच दो पहले। दोनों डंडे खींचने के बाद कहां पे मिरर के नजदीक कौन से भाग पे टच है? ऊपर वाले पे। तो मिरर के नजदीक ऊपर वाले भाग से टच आ जाएगा। ठीक है, एस। एस का कौन सा भाग टच है? अब यानी स्टार्ट कहां से कर रखा है? पीछे से। तो यहां से पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ई। ई का कौन सा? पिछले वाला भाग। ठीक है, आर का कौन सा? ये भाग। अब टी। टी का ये देखना एक बार आपका, सबसे पहले इस पे तो कोई अंतर होना ही नहीं मेरा। ठीक है, अब यहां पर देखो मिरर के नजदीक इस अगले वालों को भूल जाओ, पहले जो मिरर के साथ है वो किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो जो मिरर की तरफ आएगा वो किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ। तो दूसरा किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। बढ़ गया ये। मिरर राइट साइड लगाओ या लेफ्ट साइड लगाओ, आकृति सेम बने, क्योंकि इसके भी आगे यही है टी, यही टी है। पहला डंडा नीचे फिर ऊपर, आर उल्टा ई उल्टा एस एन ओ सी, उसकी भी वही आकृति। ठीक है, तो इस बात का मतलब है राइट या लेफ्ट मिरर लगा के मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। कहीं भी राइट साइड मिरर लगाओ या लेफ्ट साइड मिरर लगाओ, जो आकृति बनेगी वो सेम बनेगी, यही कहानी। यदि ऊपर मिरर लगाओ या नीचे मिरर लगाओ, जो आकृति आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, देखो एक और। इसका बताओ, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मिरर बना दो इसका। यहां पे यदि हमने इसका मिरर लगाया तो सबसे पहले मिरर के साथ लगता है ये डंडा यहां पे, और ये हो जाएगा आर। ठीक है, अब ए, ये आकृति है। ठीक है, ये आकृति पलटे भी की, लेकिन देखो इस डंडे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम रहेगा। लेकिन यहां पर ऊपर की तरफ ये है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। एन, ये दोनों डंडे खींच दो पहला एन के। अब देखो इस साइड वाले कॉर्नर पे टच है ना। ठीक है, इस साइड वाले कॉर्नर से टच आएगा, और किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ। एन के बाद ये एस है। एस का देखो यहां से एज इट इज। एस के बाद एल। ठीक है, एल का ये डंडा, और यहां से नीचे ओ डब्लू। नीचे मिरर लगाओ या ऊपर मिरर लगाओ, यहां पर भी दोनों आकृतियां क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, एक जैसी रहेगी। नीचे ऊपर से कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। बॉम्बे, या तो मिरर को ऊपर लगा सकता है या मिरर को साइड में लगा सकता है। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन में उसने दोनों पुट करेगा, अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा तो एक नहीं पुट करेगा। ठीक है, यहां पे पहचान मेरे को कौन सी इमेज है कौन सी नहीं है कैसे पता लगेगी? सबसे पहले यदि मिरर लगेगा ऊपर या नीचे,
तो उसकी जो शुरुआत होगी वो इसके पहले अक्षर से होगी। यदि मिरर कहां लगेगा, ऊपर या नीचे, तो उसकी शुरुआत किससे होगी, इसके पहले अक्षर से होगी। ठीक है, यानी कि बी सेम रहेगा, ओ सेम रहेगा, बी ये ए। यहां पे देखो, यहां पे अगर आपने वो लगाया है तो जो ये गैप है बीच में, यानी ए कहां आएगा, बीच में गैप रहेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं इसकी इमेज बना रहा था, मैंने ये लिख दिया बी, नीचे बना रहा हूं, चलो नीचे ले लो कोई बात नहीं, दोनों जगह पे सेम बात रहेगी, नीचे बना रहा हूं मैं इसके। ठीक है, बी ओ डब्लू बी ए वाई। ठीक है, तो ए वाई तक तो इमेज आएगी। ठीक है, वाई तक इमेज आएगी, तो यहां पर तो जो वाई तो जाएगा वो इसके साथ यहां से टच होता हुआ जाएगा। ठीक है, और जो ए बनेगा वो कहां बनेगा, इसके साथ यहां पे नीचे। एक तो गैप यहां पे गैप दो या यहां पे गैप दो, क्योंकि छोटा अक्षर है। ठीक है, दोनों में अंतर ये कर सकता है, एक तो यहां पे इमेज बना के दे दे, ठीक है, एक यहां पे। और जब ये बनाने लगूंगा ए, ठीक है, तो ए को बनाऊंगा कैसे, एक तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, जब ये लाइन लेके मेरे को आनी है, तो ये लाइन कहां से आई है, देखो इसके अंदर से टच होने के बाद इस तरफ गई हुई है। ठीक है, तो मिरर की तरफ नीचे की तरफ आई हुई है ना, तो ये लाइन कहां पे जानी चाहिए, यहां से ऐसे मिरर की तरफ जानी चाहिए ऐसे। वाई क्या करती को बदलना है, तो ये देखो ये डंडा यहां से तिरछा है। ठीक है, तो ये डंडा यहां से एज इट इज तिरछा हो जाएगा, मिरर की तरफ से उस तरफ दूर जा रहा है, उस तरफ दूर चला जाएगा, और ये यहां से लाइन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये वाई।